एक महिला जिसके पति नहीं है, जिसके दो बच्चे हैं, एक बूढ़ी सास है और वो उनका घर है, वो दिखाइए आकाश। और ये इनके खेत हैं और ये इनके पास लगभग 2-2.5 बीघा खेत थे और जिसमें से 1.5 बीघा शायद खेत जो हैं वो इनके ले लिए गए हैं। वो उस तरफ वो जो आपको वाइट कलर की बाउंड्री दिख रही है वो सरकार के तरफ से वो ज़मीन इनसे ले ली गई है। मुआवजे में क्या मिला है वो आपके इस महिला से मैं आपको बात करके बताऊंगी, जिनके पति नहीं है, 2 छोटे बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, और इनकी एक बूढ़ी सास है जिनके ऊपर की जिम्मेदारी जो है वो अभी इनके ऊपर ही है। और अभी ये जो खेत दिख रहे हैं वो इनके ही खेत हैं। और जब मैं इनसे बात कर रही थी खेत के बारे में तो क्या परिस्थिति खेतों की है वो भी मैं आपको इनसे बात करके बताऊँगी। मैं फ़िलहाल नाता गाँव में मौजूद हूँ। नाता गांव इस जगह का नाम है जहां पर मैं मौजूद हूं। और ये नॉर्थ कोटा का एक गांव है जहां के एमएलए शांति धारीवाल हैं। अब आइए मैं अपनी बातों पर विराम लगाती हूं और मैं आपको सीधा महिला से बात करके समझाने का प्रयास करती हूं कि पूरा मामला क्या है। आपका नाम क्या है? सुगना भाई। हाँ। आपकी पहले कितनी ज़मीन थी? मेरे तो 2.5 बीघा ज़मीन थी। 2.5 बीघा। हाँ। और अभी कितनी बीघा बची है आपके पास? 1 बीघा बची। तो ये 1.5 बीघा ज़मीन किसने ले ली आपकी? ले लिए दारूवाल जी ने। ले लिए दारूवाल जी ने? ले लिए। हाँ। क्यों लिए? ये वकील साहब के वाल ये करवाया था ना मैंने केस, पहली सारी को ये अड़प लिया था उनसे। तो यहाँ बैठ के हम लोग बात कर सकते हैं क्या? गंदे हो जाएंगे कपड़े? नहीं नहीं, बैठो बैठो। है मिट्टी में क्या गंदे होते हैं, धरती माता का क्या गंदा मानते हैं? क्या बात है, मतलब कितना अच्छा लगता है कि मतलब मिट्टी में क्या गंदे होते हैं क्या कपड़े, धरती माता का क्या गंदा ये फील होता है। अगर कोई एक किसान से आप बात करोगे तो वो माटी को जो है ना वो अपनी धरती माँ सच में इसको मानते हैं और वो फील करते हैं कि भाई इसमें क्या कपड़े गंदे होते हैं। आइए बहन बैठिए, मैं तो आपके लिए कह रही थी, मुझे भी बैठने में कोई इशू नहीं है, बैठिए आइए ऐसे बैठ जाइए। तो आपके धारीवाल जी ने ज़मीन ले ली? वकील साहब ने ली थी ज़मीन, तो जो उसका ही तो राज चल रहा था जल्द। इधर आके करो। हाँ। धारीवाल जी का ही तो राज चल रहा था तो उसी ने तो दिलाई ज़मीन मेरी। साल पहले ली? ये 5-6 साल करीब होगी बात। 5 साल चल रहे ये। 5 साल। हाँ। उस समय आपके पति जिंदा थे? हाँ जिंदा था जी। वो उसने मारा है क्या है वो ज़मीन ले ली, जो मर गई फिर बाद में ज़मीन लेता है जो वो तो मर गया, बच्चे छोटा जो उसको मिल गया और मैं ची। अब मैं क्या करूँ, अभी थोड़ी सी ज़मीन बची तो इसमें फाणी बरबर लग गए तो इसमें तो कोई नमजवारी नहीं हो रही। इस खेत के अंदर पानी भर गया है। हा? इसमें आपने क्या उगाया है? पालक उगाया है, देसी देसी पालक। हाँ तो ना तो इसमें अनाज भी नहीं होते। अनाज भी नहीं होते और चैलेंज काट के ये भी नहीं मिलते हैं मेरे को, तो राशन भी कोई भी नहीं दे रहे मेरे को, तो मैं क्या खाऊँ। और बोर दे बागी बगन आता है पहले राजाओ जो हमारे पास बोर दो। तो क्या मैं बोर देने में नाराज थोड़ी हूँ, मेरा भी तो काम करो ना थोड़ा बहुत, मुझे खावा को भी दे। वो जब दुनिया को दे रही है तो मेरे को भी तो दो ना थोड़ा बहुत, मेरी पेंशन भी चालू करवाओ, 500 रुपट्टी दे रहे हैं तो क्या होगा उसमें। और ज़मीन में कितना खर्चा होता है, 20,000 रुपये का कर्जा खड़ा गया ज़मीन में भरा है मैंने। अब मैं कहाँ से भरूँगा, मैं बच्चा बच्ची को पालूँगी, मैं इसका 20,000 रुपये देऊँगी। 20,000 रुपये आपने ये पूरा पालक? हाँ मैं लगाया मैंने 20,000 रुपया लगाया मैंने इसमें पालक में। और जिसमें क्या है 20,000 रुपया तो गया मेरा अभी, और सौदा भी गया। अब कहाँ है, अब न तो इसमें गाँव हो रहा है और फसल भी नहीं हो रही इसमें, तो कुछ भी नहीं हो इसमें, तो पड़ती पड़ी रहेगी तो आगे साल ही पड़ती रहेगी। तो अब क्या बोलूँ, अब क्या बोलूँ, पूछने के लिए मेरे पास भी कुछ नहीं है जब मैं ऐसी बातें सुनती हूँ। हाँ आपकी भी तो लगा करो थोड़ी। ये देखो जैसे ये जो ज़मीन है इसमें आप देखो, इसमें ये पालक देसी पालक जो है वो यहाँ पर लगाई गई थी, आपने खुद से लगाई थी? हाँ मैंने लगाई थी। 20,000 रुपये पूरे पालक लगाने में लागत लगी? हाँ लगे। और वो पूरा पैसा खराब हो गया? हो गए हुआ न, अकाई भी दी मैंने, 16 पुली भी दिया, मेहनत मजूरा भी लगाया, 400 रुपये किलो का बीज भी बाया, 20 किलो बीज बाया, बोलो कितने होगा वो। और इस खेत के अंदर पूरा पानी भर चुका है और ये पालक अंदर अंदर जो है वो गल चुका है, पूरा पालक गल गया है। गल गया ना, अब खाए ना हो, अब तो खाए भी ना हो, खा भी नहीं पाओ। क्या सपने थे अगर ये पालक होता तो फिर आप क्या करते इसका? बेचती पालक, होता तो मंडी में जाता बेचवा काट। पैसे मिलते आपको इतने 1 बीघा पालक? अब वो तो मिल जाते जत रहे थे, वो तो बहुत ज़्यादा जन्ना है, वो तो फसल है 1,00,000 की बैठ जाओ, 2,00,000 की बैठ जाओ, कच्चा सौदा ही है। तो मतलब आपका 1,00,000-1.5 लाख का सीधा सीधा देखा जाए तो नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ है, मेरे तो बहुत नुकसान हो गए इसमें तो।
मेरे तो क्या है कि भूखा मरने की टाइम आ गई। अब क्या खाऊं मैं बताओ। अब क्या मेरे को कोई को दे देगा कि ये गल गया तो मेरा ये बोर दिला बाड़ा दे देगा कि मेरे को वो दे दे तो बोल देना मैं वोट देवा जाऊंगी। फिर अगर कोई अगर इनको दे जाएगा तो ये वोट भी दे देंगे। अब इनकी बातों की गहराई को समझो कि इनके घर में एक बूढ़ी सास है, उनकी दवाइयाँ भी होती होंगी, उनकी पूरी जिम्मेदारी है, सभी जिम्मेदारी है मेरी, उसका इलाज पानी भी है, उसके सभी हैं, बच्चों बच्चे की पढ़ाई लिखाई भी है, कोई मेरे को पैसे नहीं दे रहे हैं पढ़वा जा रहे हैं तो बच्चा बच्ची। ये जो 2.5 बीघा जमीन जो आपकी 1.5 बीघा ले ली गई है तो बदले में कुछ भी नहीं दिया? नहीं नहीं कुछ भी नहीं दिया मेरे को, कुछ भी सच में कुछ भी नहीं दिया। एक गरीब का दोहन, एक गरीब का दोहन कैसे होता है वो आप इस गांव में आकर के, आपका नाम क्या आपने मुझे बताया? सुगना बाई से आकर के मिल करके आप देख सकते हैं कि एक गरीब को किस तरीके से एक नेता अपने शासन अपने रसूख के आगे दबाता है। आप सुगना बाई से मिल करके देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अच्छा बहन एक बात बताओ, फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई उनकी उनका उनकी ज़रूरतें कैसे पूरा करती? करती हूँ, मजदूरी जाती हूँ, कहीं कहीं जाती हूँ, जब करती हूँ उसकी पेट भरा है तो मजदूरी करती हूँ मैं तो क्या करूँ, फिर क्या खाऊँगा इसमें? दूसरों को खेतों में जाके कि क्या मजदूरी करती हूँ मैं तो, कभी बाटा बराबा भी चल जाती हूँ, कभी बेलदारी में भी चल जाती हूँ, बाड़ी में आ जाती है तो बाड़ी में भी चल जाती हूँ। जब पति था जब ये सब काम किया था आपने? नहीं पति था जब तो काम ही करूँगा, वो मर गया तो अब करनी पड़े उसे कुण देवगो कमार। अब वहाँ का तो कसी नौकरी चाहे खूको से नौकरी डोगरी तो बूढ़ी होगी सासू तो, अब मैं जब बच्चा बच्ची से छोटा छोटा से तो वहाँ का था कहीं किला वो थोड़ी काम करवा के लायक चाल है। आपके बच्चे हाल तो 15 साल को से पढ़ वालो 15 साल? हाँ। और बिटिया का कितनी उम्र है? वो आज 10 साल की। 10 साल की? हाँ। उसकी शादी ब्याह के बारे में क्या सोचा? शादी कहाँ हुई उसकी? नहीं अभी 10 साल की है। हाँ। तो उसको कैसे पढ़ाओगी, कैसे शादी करोगी, क्या प्लान है आपके पास? अब मैं कैसे करूँ क्या गवर्नमेंट देगी कि मेरे को रुपया गवर्नमेंट दे देगी तो कर दूंगा मैं उसे आए। और ऐसी एक योजना जब मैं मध्य प्रदेश कवर कर रही थी तो मुझे लाडली लक्ष्मी योजना जैसी मुझे योजनाओं के बारे में पता चला जब मैं मध्य प्रदेश को कवर कर रही थी। तो अगर ऐसी योजनाएं अगर इस प्रदेश में होती तो शायद आज सुगना बाई उनकी बच्ची की मदद हो सकती थी। अच्छा आपको अगर कोई सरकार महीने के 1000-1200 रुपये दे तो उससे आपका मदद हो जाए? कहाँ दे रही है सरकार, कुछ नहीं दे रही मेरे को तो, बच्चा बच्चे का तो पैसा ही नहीं आ रहा है मेरे पास। राशन वगैरह कुछ नहीं मिलता? नहीं नहीं कुछ भी नहीं है मेरे पास, ना तो राशन मिल रहा है ना खाए भी नहीं मिल रहा है, सबको दे रहा है थैला सबका ही सामान दे दे कर जाता है, मेरे को तो कोई भी नहीं दे रहा है, मेरा मिल ही नहीं रहा, कहाँ से आऊगा, मेरा तो सही नहीं वहाँ टेढ़ से। तो ये खेती वगैरह खुद से करती हो? हाँ मैं ही करती हूँ खेती। तो ये जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, दाल हो गया, ये सब आप खुद उपजाते हो कि खरीद के लाते हो, कैसे करते हो? मैं करती हूँ खेत में, फिर जाती हूँ मंडी में बेचवा। अच्छा तो इस बार आपने गेहूँ चावल वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, एक चावली हुआ खाली और खाए भी नहीं हुआ। चावल कितने का लगाया आपने? चावल तो वही का वो तो 20,000 रुपये का चावल है। 20,000? हाँ। उसमें आपने अपना परिवार चलाया? हाँ 20,000 का चावल होया था जिम्मे चार रुपये खर्च। अच्छा आप मजदूरी करके कितना कमा लेती हैं? दे दे 200 भी दे दे, 150 भी दे दे, 250 भी दे दे, 300 भी दे दे, 300 से ऊँचा नहीं दे कोई भी, 300 के ऊँचा कोई नहीं देता? नहीं देते। और 500 रुपये मिनिमम वेजेस जो हैं वो तय किए गए हैं भारत सरकार की तरफ से और इस महिला को 300 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। तो सोचिए गांव के अंदर कितना आज भी हमारे भारत के गांव में एक तो आधी आबादी बसती है और उस गांव के अंदर कितनी ज़्यादा गरीबी और कितनी ज़्यादा दुख है ना वो आप खुद फील करेंगे। जब आप गाँव में जब आती हूँ गाँव के अंदर जब आती हूँ जब मैं इन लोगों का दुख सुनती हूँ तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि भाई आज भी हमारे नेता लोग कर क्या रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी कुछ थी, जैसे आपके यहाँ के धारीवाल हैं जब आपकी ज़मीन ले ली गई थी कितने की ज़मीन होगी आपकी सुगना भाई? मेरी ज़मीन बहुत महंगी थी, 1 करोड़ रुपये की ज़मीन थी मेरी। 1 करोड़ रुपये की ज़मीन? मैं तो 1 करोड़ रुपये की ज़मीन थी। तो आपने केस वगैरह कुछ नहीं किया? कौन करेगा मेरे केस वगैरह, केस वगैरह करने वाला होता तो ज़मीन ही कैसे जाती, वो मन को होता तो कैसे जाती ज़मीन, मेरे मन नहीं है जब तो ज़मीन को छीन लिया इसने।
भारी गुस्सा होगा आपके मन में तो। भारी गुस्सा है, मेरे को देखनी नहीं आती, रोज नटू देखती हूँ मैं इसको, मेरी देख लो ये दशा हो रही है देख देख के। मेरी क्या उम्र है यार, मैं 30 साल की हूँ खाली। 30 साल की हूँ? हाँ मैं 30 साल की हूँ जी, मेरे देख लो हालत आज, अब मैं कैसे बचाऊँगी? मैं तो देख रही हूँ कि मेरे बच्चा बच्ची भी नहीं पढ़ सकते मेरे से, तो ऐसी हालत हो गई मेरी तो, ये टेंशन ही टेंशन की मारी। अब न तो उठ काबा की टेंशन लागत, मजूरी कोई ना कसी नौकरी से बाय लगवा नौकरी न टूटी नौकरी चल चलांगा, मजूरी से आई नाई कोई दना आई नाई तो गरा बेटा वो आओ जाए पीसा सुखावा पीवा काय खावा खाए कोई ना माँ के पास खाए से नौकरी भी न दे मिली बाय नौकरी से वो तो नौकरी खा ला। अबे अब मजूरी से बेलदार की आओ तो वो भी आ जाए तो खा लाना, तो बस कोई मजूरी नहीं है हमारे तो। अच्छा दिवाली कैसे मनाई थी सुखना भाई आपने? दिवाली कैसे मनाओ, वो चीज़ जिसमें ही मना लिया, कोई नहीं आना मान तो कोई फटाका भी नहीं फोड़ा और क्या कुछ भी नहीं करा मैंने तो। मिठाई वगैरह कुछ नहीं बनाया, कैसे बनाओ मिठाई बताओ, पैसे बगैर मिठाई ही बन जाती है, बहुत पैसे लगते हैं मिठाई बनाने में, तो कैसे बनाओ मिठाई? कुछ भी नहीं बनाया, पोहा पकौड़ी बना के खा लिया बस, और डांडा चाहिए एक पया गाय च गौ माता एक भैंस च, उसके दिवाली बांध ली पापड़ी कर लिया और खिला दिया दीपावली कर ली। मतलब आपके पास एक गाय भी है और एक भैंस भी है, उसकी सेवा आप करते हो? मैं करती हूँ, वो बंदी ना गाय भैंस से सेवा करती हूँ मैं, और उनसे दूध आता है तो वो आप उसको घर का इस्तेमाल करते हो उसका? हाँ वो भी वो क्या है बहुत सालों में वही वो तो एस जाति ब्याई है ना, तो पहले तो मैं ये रचापन में येरती हूँ, मेरे क्या है शौक है येरने का। शौक है आपका? डांडा येरने का मेरे शौक है। मतलब जानवरों को पालने का आपको शौक है? मेरे शौक है जानवरों का, मेरे शौक है, मैं क्या उसको चराने भी चल जाती है, मजूरी नहीं आती है ना तो मैं चरा भी जाती सकती हूँ उसको, मेरी क्या टाइम पास हो जाती है। अभी जानती हो बाड़ी में तो कुछ नहीं है, यहाँ क्या करती रह के, मजूरी आ जाती तो मजूरी चल जाती, मजूरी नहीं आती तो बांस ले गए चराने चल जाती, उसको चरा आ जाती वापस घर पर, मेरी भी टाइम पास हो जाती और डांडा की भी टाइम पास हो जाती भैंस की भी। और मैंने काफ़ी सारे ऐसे मतलब केसेस देखे हैं कि जहाँ पर गायों को इस वजह से छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो दूध नहीं देती, यूज़फुल नहीं होती लोगों के लिए, तो इसलिए वो उसको छोड़ देते हैं। आपके मन में नहीं आया कि मैं छोड़ दूँ उसको? नहीं, मैं क्यों छोड़ूँ, मेरे को तो छोड़ नहीं जाती, मेरे को तो क्यों मनक जैसे रखती हूँ मैं तो उसको, मतलब इंसानों की तरह। हाँ मैं इंसान बच्चों को भी नहीं छोड़ने जाते हैं ना हम, तो मेरे को ये भी नहीं छोड़ने आती है क्योंकि ये भले मर जाएगी ना तो मेरे पास ही मर जाएंगी, पर इसको कहाँ भी नहीं छोड़ती मैं। आपको पता है कितने लोग पसंद करेंगे सुगना भाई? बहुत लोग पसंद करेंगे आपको, आपके इस विचार को, आपकी इस बातों को। बहुत लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए सुगना बाई से कि एक अकेली महिला जो अपने परिवार को चलाती है, जो इतना सब कुछ दुख होने के बाद भी इनके पास ना कोई मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है कि जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ले, इनके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ले, इनकी रिश्तेदार आते नहीं है कि आपको मदद चाहिए तो मैं कर दूँ? नहीं नहीं ऐसे कौन मदद करते हैं, कोई भी नहीं करते हैं मदद, जिसके घर में पकेगी ना वही खाएगी, कोई नहीं करते, कोई देर नहीं भूल जाते हैं, सरकारी ने दे रही है जो रिश्तेदार कौन देंगे, सिरदार रिश्तेदारों को क्या करते हैं अपन, सरकार को तो अपन कितनी मदद देते हैं, जब भी सरकार ने दे रही है तो घर का क्या देगा अपन को। लेकिन ये तो सरकार है सुगना भाई, ये तो कहते हैं कि हम तो गरीबों की सरकार हैं, गहलोत जी कहते हैं गरीबों की सरकार। कहाँ है गरीबों की सरकार, भूखा मर रहे गरीब तो सब भूखा मर रहे हैं, जो नौकरी वाले और जमीन वाले ने उनको दे रही है सरकार, तो सरकार गरीबों की नहीं है, सरकार तो लखपति मन क्यों को है, गरीबों की सरकार नहीं है, कोई गरीबों की नहीं सुनता। नहीं नहीं और जो वो जो है नौकरी वाले पैसे वाले में राशन आ रहा है सब दे रहा है उसको पैसे, उसको पैसे दे रहा है सरकार, और गरीबों की कोई सुनाई नहीं है सरकार के पास, गरीब तो क्या है तड़प तड़प के मर रहा। तो मतलब ये जो है वो सुगना बाई का है, इनका कहना है कि सरकार जो है वो गरीबों की सरकार नहीं है। इस बार भी चुनाव है सुगना बाई, क्या सोचा है इस बार? क्या सोचूं, क्या सोचना है? मैं तो क्या सोचूं, मैं तो वोट देने की नाराजी हूँ, अब तो मैं देने नहीं जाती। वोट नहीं दोगी? नहीं दूं, क्या करूं फिर, किसी को भी नहीं? नहीं मैं तो किसी को भी नहीं दूं। मोदी जी को भी नहीं? नहीं दूं मैं तो किसी को भी नहीं दूं, कोई मेरी सहायता ही नहीं कर रहा है तो फिर मैं किसका वोट दूं? हैं कोई इनकी सहायता ही नहीं कर रहा है तो ये किसको अपना वोट देंगी?
जो भी नेता इनकी बातों को सुन रहा है वो ध्यान से सुनिए कि ऐसी एक सुगना बाई नहीं है, ऐसे पता नहीं करोड़ों लोग होंगे जो आपके वादों से बिल्कुल आप कहिए तो त्रस्त हो गए होंगे कि जी बस करो वादे, काम भी करना चालू करो, और काम करोगे तभी हम दो चार वोट भी आपको देंगे। तो सुगना भाई आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। जो आपने पहली बात बताई ना कि ये इस माटी से क्या गंदा होना, ये तो माँ है हमारी, हमारी माँ है, धरती माँ है, ये इसमें से कोई नाराज नहीं है, इसमें तो मैं सोती हूँ। सोती हो? हाँ, मेरे लग जाता है, रोज इसमें बैठी रहती हूँ मैं कैसी नाराज थोड़ी हूँ, मैं मृत्यु माता पे बैठ सकती हूँ, धरती माँ है ये। धरती को अपनी माँ कहती हैं, जानवरों को अपना बच्चा कहती हैं, बस दुखी हैं सरकार से। एक धारीवाल जी हैं, यहाँ के मिनिस्टर रह चुके हैं, एमएलए भी हैं, इन्होंने इनकी 1.5 बीघा की ज़मीन जो है वो हथिया ली है आज से 5 साल पहले, जिसकी वजह से इनका जो इनके जो पति हैं वो नहीं रहे इस दुख को देखते हुए। हाँ, वो क्या हुआ था उनको? वो टेंशन हो गई, जो मर गया छोका जाओ तो मोटे आ रही। बीमार भी फिर बाद में जैसा टेंशन करता बीमार होगा, मुँह टेंशन करूंगा तो मार भी हो सकता खाएगा तो बीमारी न होगी, फिर मुँह टेंशन करूंगा तो मार। जो कहते हैं चिंता चिता समान होती है, वही आप वही अब वो जमीन लेता है पहली, वहाँ को तो 10 घी टेंशन, कहिया जमीन हुई कसा ले ली मारी कहिया, तो वहाँ का तो टेंशन दस्ती, पैर तो खत्म हो गया, टेंशन ही टेंशन की मारा वो है जो खत्म। पैर वाना यहाँ का माता वाना था ना, दवाई भी पी गया था वो एक भगत, दवाई भी पी गया सुसाइड करने का प्लान किया। यहाँ का माता दवाई भी पी गया था वो जब न मरिया, पर पैर जैसे पाचा खाई ना वो। मैडम आपके आपसे क्या बोलूँ मैं, मेरे साथ तो बहुत बुरी कर रखी है यहाँ। जो किसान आत्महत्या करता है वो उसका एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर सुगना बाई के जो पति हैं उन्होंने एक मिनिस्टर के वजह से, क्योंकि उसने ज़मीन हथिया ली, एक एमएलए की वजह से उसने सुसाइड करने का भी सोचा, प्रयास किया, अपने बीवी बाल बच्चे माँ अपनी बुज़ुर्ग माँ को छोड़ करके उसे सुसाइड करने का भी सोचा। तो ये परिस्थिति एक गांव के अंदर है। सुगना बाई इनका नाम है और इनकी मैंने आपको कहानी बताई, तो आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और सुगना बाई जैसे लोगों को कुछ तो मदद होनी चाहिए। और ये जितनी भी अगर कोई भी नेता इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ आप लोगों से अनुरोध है, वोट मांगने आते ये लोग आपको वोट भी करते हैं, हर बार वोट करते हैं? करते हैं, मैं हर बार एक भगत भी वोट नहीं चुका हूँ मैं इसका, वोट नहीं चुका। नहीं, लेकिन आपकी अपनी भी कुछ जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को पूरा कीजिए। अगर ये सरकार आती है तो उससे कुछ बोलना चाहेंगे इस बार? कोई सुनाई नहीं करता है, देख के चल जाता है, डोक दे के चल जाता है। उसके गरज होती है ना तो डोक देने आते हैं वो, और फिर उसकी गरज निकलता है पूछ भी नहीं करता है कहाँ रहती है। इसी के साथ धन्यवाद। इनकी ये पालक है, देसी पालक इन्होंने उगाई थी, 1 महीने में ये पालक जो है वो तैयार हो जाता है, लेकिन अभी 20 दिन में ये पालक तैयार हो जाती है, और अभी पालक कोई 1 महीने से ऊपर हो गया। और अभी ये इतने की इतनी है, अब ये नहीं होगा पालक, नहीं होगा ये, अब नहीं चले, अब इसका होने का टाइम खट गया निकल गया। और ये पालक जो है वो बर्बाद हो चुका है, और इसके साथ सुगना बाई का 20,000 रुपये का नुकसान, और 1.5 लाख रुपये, ये 1.5 लाख रुपये का नुकसान हुआ। इसी के साथ धन्यवाद।